दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी हर बात बात पर क्यों रोती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मतलब हद है यार, ऐसा भी होता है क्या? कोई इतनी सीधी बनकर जिंदगी कैसे चलेगी तुम्हारी दी? कल स्कूल में कोई सुना देता था, आज कॉलेज में सुना देता है, कल को कलीग बॉस सुना देंगे, ससुराल वाले सुना देंगे, और तुम बस सबकी सुन सुन कर भावुक होना और रोती रहना। छोटी बहन स्वाति बड़ी साया को डांट रही थी, पर हुआ क्या है कोई बताएगा मुझे? माँ शीला ने पूछा, मम्मा होना क्या है? वही जो हर बार होता है, इसकी क्लास मेट ने इसकी ही कॉपी की और प्रोफेसर से डांट मैडम को पड़ गई, और ये बजाय अपनी सफाई देने और उस क्लास मेट को डांटने के क्लास से निकल गई और पहले वहां रोई, अब घर आकर रो रही है। माँ स्वाति, मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकती। मुझे दुख होता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, तो अगला मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है? और इसी बात पर मुझे रुलाई आ जाती है। जाने दे साथी, ये इसकी बचपन से ही आदत है, जरूरत से ज्यादा भावुक है ये। अब हम लोग तो समझा समझा कर हार गए, भावुक से व्यवहारिक, अब शायद इसे समय ही बनाएगा। हम तुम कुछ नहीं कर सकते। शीला और प्रभात की दो बेटियां साया और स्वाति, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव रखने वाली। साया सीधी भावुक और दबूसी, वही स्वाति तेज तर्रार व्यवहारिक और अपने हक के लिए किसी से भी लड़ जाने वाली। शीला और प्रभात को जितना ही संतोष अपनी छोटी बेटी को देखकर होता, उतना ही बड़ी बेटी के भविष्य को लेकर वो चिंतित हो जाते। साथ ही उन्हें ये भी चिंता लगी रहती कि अगर शादी के बाद साया के मन मुताबिक ससुराल ना मिला तो वो अपना जीवन कैसे काटेगी घुट घुट कर। इसलिए वो चाहते थे कि साया की शादी अपने जान पहचान वाले घर में हो, और वो भी ना हो तो कम से कम लड़का भी साया की तरह ही सीधा सादा हो। खैर, उनकी तलाश अनुज पर जाकर खत्म हुई। प्रभात के सहयोगी का रिश्तेदार था अनुज और उसका परिवार। वो सहयोगी साया से भी मिले हुए थे, तो उस आधार पर उन्होंने अनुज का रिश्ता सुलझाया था। अनुज का परिवार, माता पिता और बहन भी सबको अच्छे, तो तिथि देख कर साया ब्याह कर अनुज के घर आ गई। शुरुआती
2-3 महीने तो बड़े आराम से कटे। सास ससुर और ननद शीला और प्रभात के अनुरोध का ध्यान रखते रहे कि उनकी बेटी की गलती हो तो उन्हें सुना दे, पर उससे कुछ ना कहे। धीरे धीरे वो उसे उसकी गलतियों से अवगत करा देंगे और वो सुधार लेगी। एक तो बड़ी संतान उस पर से लाडली और उस पर से भी सीधी शादी तो माता पिता ने कभी किसी चीज के लिए उस पर जोर नहीं डाला था, ये सोच कर कि समय आएगा तो सीख जाएगी। नतीजतन अक्सर साया से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती। अब सास ननद भला कितने दिनों तक उसकी भावुकता का ख्याल रखते। अनुज बहुत कम बोलता था उसे, ऐसे भी दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी तो घरेलू मामलों में क्या पड़ता। तो सास ननद कुछ न कुछ कभी उसकी गलती पर तो कभी गलत फहमी में ही बोल देती और सारा दिन साया रोया करती। हद नौटंकी बाज है ये साया, कुछ बोलो रोना शुरू, कुछ कहो रोना शुरू। एक दिन साया ने सास को ससुर से बात करते सुना तो वो और दुखी हो गई। मम्मी हर बात पर रो रो कर भाभी साबित क्या करना चाहती हैं कि वो बहुत अच्छी हैं और हम लोग अत्याचारी, क्या नाटक है उनका ये रोज रोज का। ननद भी एक दिन अपनी माँ से कह रही थी, साया को याद हो आई अपने पापा की बात, जो वो उन्होंने उसके ससुराल आते वक्त भावुक होकर कही थी। बेटा भावुक होना बहुत अच्छी बात है, आजकल इसी का तो अभाव हो गया है लोगों में। पर जिस तरह दुनिया में भावुक लोग कम मिलते हैं, भावनाओं को समझने वाले भी कम मिलने लगे हैं। अभी तुम हमारे पास हो तो हम समझ सकते हैं और हमारी सहानुभूति भी होती है। पर कल को दूसरे घर में जब लोग तुम्हारी इन भावनाओं का मजाक बनाएंगे तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा बेटा। इसलिए आगे से अपनी भावनाओं और आंसुओं को वहीं खर्च करना जहां इसका मोल हो। अब खुद को अंदर से मजबूत बनाने का वक्त आ गया है, शायद वो वक्त यही है, क्योंकि या उसकी भावनाओं को उसकी कमजोरी और ड्रामे का नाम दिया जा रहा है। अपने अंदर की उन भावनाओं को वो मरने तो नहीं देगी, पर उन्हें वैसे लोगों पर जाया भी नहीं करेगी जिसे वो नाटक और नाटंकी कह रहे हैं। और नाटक नौटंकी तो अब दिखाएगी वो। अगले दिन वो किशन में दूध घेस पर रख कर अपने कमरे में फेरी लाइट लगाने लगी। सास की तेज आवाज से उसे दूध का ध्यान आया, दौड़कर नीचे पहुंची तो देखा
पूरा किशन धुआं धुआं सा है और सास नाराज होकर बोली जा रही है, बजाय वापस भाग कर अपने कमरे में जाकर रोने के। साया बोली, शांत हो जाइए मम्मी जी, दूध ही जला है ना, दूसरा पैकेट उबाल दूंगी, मैं काम में ही व्यस्त थी ना, तो हो गई गलती, धुएं की गंध से अपने कमरे से बाहर आई ननद भी रोतड़ू भाभी के इस रूप पर आश्चर्य सकित थी, ये बदलाव कैसे, इधर आत्म विश्वास से भर मन ही मन मुस्कुराती साया सोच रही थी, क्या जमाना आ गया है, सच्ची भावनाओं को लोग ड्रामा बना देते हैं, और अभी जो अपनी भावनाओं को दबाकर ड्रामा कर रही हो उसने इनके मुंह पर ताले जड़ दिए। पापा सही कहते हैं, भावनाओं और आंसुओं को वही खर्च करना जहाँ इनका मोल हो।